गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक अगे कंटिन्यू करना। ध्यान ना देखो जरा, तुहानू पता है एंगल जिहड़ा हुंदा डिग्री च मेजर हुंदा, जिदा 180 डिग्री होए। हुण तुसी याद रखना 180 डिग्री दी वैल्यू आपां रेडियंस च पाई भी कह सकते हैं। मतलब जे कितें पाई लिखिया ना, इहदा मतलब 180 हैगा, एक ही गल है। मतलब हुण पाई दी वैल्यू 3.14 जां 22/7 उहनी याद रखनी, पाई दी वैल्यू याद रखनी 180। जे दोवे पासे 2 ना डिवाइड करांगे, इधर 90 आ जाएगा, इधर की आ जाएगा पाई बाय 2। जे कितें पाई बाय 2 वर्ड लगा तां मतलब 90 हैगा। जे इहनू आपां 3 ना डिवाइड करांगे 60 आ जाएगा, 3 ना डिवाइड करांगे पाई बाय 3 आ जाएगा, 4 ना डिवाइड करांगे, इस टर्म नू 4 ना डिवाइड करांगे दोवे पासे, 4 ना डिवाइड करके इधर आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा पाई बाय 4। इनू जे 6 ना डिवाइड करांगे इधर आ जाएगा 30, इधर आ जाएगा पाई बाय 6, इधर आ जाएगा पाई बाय 6। इहदा मतलब जे कितें पाई बाय 6 लगा उहदा मतलब 30 एक ही गल है, कोई फर्क नहीं हैगा। जे कितें पाई बाय 4 लगा इहदा मतलब 45 डिग्री हैगा, एक ही गल है। जे कितें पाई बाय 3 लगा इहदा मतलब 60 डिग्री हैगा, एक ही गल है। जे कितें पाई बाय 2 हैगा इहदा मतलब 90 हैगा, एक ही गल है। पाई दा मतलब 180, एक ही गल है। जे 2 पाई होए 360 हो जाएगा ना, 2 नूं 180 नाल मल्टीप्लाई करांगे 360 आ जाएगा। अगर ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल देखो जरा, 10th क्लास कीता होया तुसीं, इत्थे वैल्यू हुंदी 0, इत्थे 30 डिग्री लगदा सी, 30 दी जगह पाउणा तुसीं पाई बाय 6, 30 जगह पाउणा पाई बाय 6, इत्थे लगदा सी 45, इत्थे पाउणा पाई बाय 4, 60 डिग्री जगह पाउणा पाई बाय 3, 90 दी जगह पाउणा पाई बाय 2। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। 0, 1, 2, 3, 4 ਲਿਖਦੇ ਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਏ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ 0, 1/4 1 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1, 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2, 1/2, 2/4 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2/4 ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2, 1 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1, 2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ √2। ਕਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1, 2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ √2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3/2 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, √3/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1/√2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ √3/2, ਇੱਧਰ 1/√2, 1/2 0। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪੂਨ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1/√3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਸੇਮ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 1, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੇ, √3 ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਨੋ ਡਿਫਾਈਂਡ, ਥੱਲੇ 0 ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਨੋ ਡਿਫਾਈਂਡ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਨੋ ਡਿਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕੁਛ ਸੀਕਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ 0। ਕੁਛ ਸੀਕਰਟ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਮਤਲਬ 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, 1/2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 2/1, 1/√2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ √2/1, √3/2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 2/√3, ਅਤੇ 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਕੋਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1,
रूट थ्री बाय टू द रेसिप्रोकल टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू द रूट टू बाय वन, वन बाय टू द टू, जीरो द रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, जीरो द रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, टेन जीरो द रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, वन बाय रूट थ्री द रेसिप्रोकल रूट थ्री, वन द रेसिप्रोकल वन, कोड जिहड़ा होंदा टेन द रेसिप्रोकल होंदा ना रूट थ्री द रेसिप्रोकल वन बाय रूट थ्री, तो इन्फिनिटी द रेसिप्रोकल होएगा जीरो, इन्फिनिटी द रेसिप्रोकल होएगा जीरो। आह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, अज आप सम ये बेस पर करते हैं। अगे देखो जरा हूँ जिदा देखो आ कोऑर्डिनेट सिस्टम सारे नूं पता है, आ कोऑर्डिनेट सिस्टम पता सारे नूं, पहला कोऑर्डिनेट दूजा कोऑर्डिनेट तीजा चौथा, इहदा फस्ट कोऑर्डिनेट इहदा सैकेंड इहदा थर्ड इहदा फोर्थ। इत्थे जीरो होंदा 90 दा मतलब पाई बाय टू, 180, 270 दा मतलब होंदा 3 पाई बाय टू, 360 दा मतलब होंदा 2 पाई, यानी कि जीरो दी भी आही लाइन है तो 2 पाई दी भी आही लाइन है, जीरो दी भी आही लाइन है तो 2 पाई दी भी आही लाइन है। देखो ध्यान नाल, जो 2 पाई दी आ लाइन है 4 पाई दी भी आही लाइन है, मतलब जीरो दी आ लाइन है ना, मतलब जीरो तो शुरू हो गया पूरा घूम के आ गया 2 पाई, 2 पाई तो फिर पूरा सर्कल घूमेगा फिर हथे आ जाएगा 2 पाई, फिर 2 पाई मतलब 6 पाई दी भी आही लाइन हैगी है, मतलब जी आ जीरो दी लाइन है ना तो पूरा सर्कल घूमया 2 पाई 360 घूमया, फिर 2 पाई दा 2 पाई च 2 पाई ऐड करांगे 4 पाई, 4 पाई दी भी आही लाइन है, 6 पाई दी भी आही लाइन है, यानी कि 2 पाई दा मतलब हो गया एक हिसाब दा 360, 4 पाई दा मतलब हो गया 720, 6 पाई दा मतलब हो गया 2 पाई मतलब ऐड करी जावांगे ना 1080, 8 पाई का मतलब हो गया 1440, 10 पाई का मतलब हो गया 1800। देखो ध्यान ना ये मतलब वैल्यू सुनी है, सारिया वैल्यू मतलब इको लाइन से लाई कर दी है, इस लाइन से एक बड़ा इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये बेस से अजे सम सोल्व होने हैं। रिमार्क, इफ वी ऐड एंगल 360 और मल्टीपल ऑफ 360, इफ वी ऐड एंगल 360 और मल्टीपल ऑफ 360, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये बड़ा इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये बेस से सम बड़े सौखे सोल्व होने अजे सम बड़े सौखे सोल्व होने। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एंगल 360 और मल्टीपल ऑफ 360, मल्टीपल ऑफ 360 कड़े कड़े होंगे देखो जरा, मल्टीपल ऑफ 360 होंगे 360, 720, 1080, 1440, 1800, सो ऑन, 360 ऐड करी जाने ना। कहिंदा जे किसी भी आला एंगल ऐड जां सब्ट्रैक्ट करांगे इन एनी ट्रिग्नोमैट्रिक एंगल, इन एनी एंगल ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन, दैन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस रिमेन सेम, रिमेन सेम। कहिंदा वै किसी भी ट्रिग्नोमैट्रिक एंगल दे विच, एंगल दे विच ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे एंगल विच 360 ऐड करिए जां माइनस करिए जां उहदे मल्टीपल माइनस करिए जां ऐड करिए, 360 दे ही कहिंदा ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दी वैल्यू रिमेन सेम हुंदी है, मतलब कोई फर्क नहीं पैंदा। ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ 6 ਦਾ ਹੈਗਾ 3.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ,
फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765। हूँ ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल से आप को साइन 765 की तो कोई वैल्यू हैगी नहीं। ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल से साइन 765 की आप कोई वैल्यू नहीं हैगी। हूँ ये मैं की रिमार्क लिखाया है, कहना 360 का मल्टीपल प्लस या माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पैंता। 765 के लागे जागे मल्टीपल आता पाया 720, 765 के लागे जागे मल्टीपल आता पाया 720। बुक च थोड़े होर तरीके सोल्व किए, मैं थोड़े सैपरेट तरीके सिखा लगा। अपने को 720 माइनस कर दो की फर्क पैंता। मैं रिमार्क लिखाया था कहता जो 360 का मल्टीपल प्लस या माइनस कर लिए एंगल ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के एंगल दे विच कोई फर्क नहीं पैंता। 765 के लागे जाके 720 ना मैं माइनस कर लिया, माइनस करके अपने को बचता पाया 45। तो साइन 45 की ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल तो वैल्यू ला दो, साइन 45 की ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल तो वैल्यू ला दो 1/√2। कितना सौखा समय। अगे 7th क्वेश्चन देखो, कोसीकेंट -1410। हुण इहदे लागे जाके वेखो 360 का मल्टीपल कि 1440 है ना, ये लागे जाके हूँ पहला पॉजिटिव वाला ही आप माइनस करता, हूँ ये ऑलरेडी माइनस है इस प्लस कर दो। अपने को 440 प्लस कर दो, कहिंदा 360 का मल्टीपल प्लस या माइनस कर दिए कोई फर्क नहीं पैंदा। अपने को प्लस कर दो 1440 प्लस कर दो, कोसीकेंट 30 आ गया। तो कोसीकेंट 30 की ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल तो वैल्यू ला दो 2 आ जाएगी। कोसीकेंट 30 की ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल तो वैल्यू ला दो 2 आ जाएगी ना, 30 का मतलब पाई बाय 6 ही होंगे, 30 का मतलब पाई बाय 6 ही होंगे। मतलब हूँ आ तुम्हें पता होना चाहिए जो मैं पाई बाय 6 लिखा आ मतलब 0 है, आ 30 है, आ 45 है, आ 60 है, तो 10th से पता ही है तुम ऐदा। 8th क्वेश्चन देखो, tan 19 पाई बाय 3, पाई की वैल्यू करो 180। थ्री के कटिंग करो 60, करो मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा ना, तो जो मल्टीप्लाई करांगे tan 1140 आ जाएगा। कट के वेख लो, मल्टीप्लाई करके वेख लो आ वैल्यू आएगी। हूँ 1140 के लागे चाहे कि वेखो नंबर है 360 का मल्टीपल पता ही लगता मैं 1080 है लागे। अपने को 1080 कर दो माइनस, अपने को 1080 माइनस कर दो, tan 60 आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। अगर 9th क्वेश्चन देखो जरा, साइन -11 पाई बाय 3, पाई जगह 180 भरा, थ्री 180 ना कटा गया 60 आ गया, 60 नू -11 ना मल्टीप्लाई करा साइन स्मॉल प्रॉब्लम करके वेख लो ये आ जाएगा। हूँ ये लागे चाहिए है 720, ये एंगल है माइनस, ये एंगल है माइनस। अपने को 720 प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं ना पैंता, एंगल माइनस करिए प्लस करिए कोई फर्क नहीं पैंता। अपने को 720 प्लस कर दो, इधर आएगा साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू ला लो √3/2, √3/2। अगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10th, कोट -15π/4, लाओ वैल्यू पाई जगह 180,
45 आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, जो आप मल्टीप्लाई करांगे 45 तो 15 दे नाल अपने को आ जाएगा -675। ये लागे जागे 360 का मल्टीपल आगा 720, अपने को 720 ऐड कर दो। देखो इन्हों वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से नहीं ना होंगे ता करके करते पे आप बचेगा कोड 45, कोड 45 की वैल्यू होंगी 1, कोड 45 बचेगा दी वैल्यू होंगी 1। अज का अपना लैक्चर इन्ना ही है, मैं थोड़ा जहा कराया तुम होमवर्क है, रिपीट करो जड़े तरीके दे नाल मैं सम कराया ना बुकलों नहीं रखने, एग्जाम्पल 8 ते एग्जाम्पल 9 करनी तुसी, ये तुहाडा होमवर्क है। तुसी बुक वाले तरीके नाल नहीं करनी, जड़े वे ना मैं कराया ना उस वे दे नाल सोल्व करनी आ दो एग्जाम्पल, ये तुहाडा होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी आपां नैक्सट लैक्चर करांगे।